हेलो दोस्तों, आज हम लोग लिखेंगे दुर्गा पूजा पर निबंध। चलिए शुरू करते हैं। दुर्गा पूजा या दशहरा हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में 10 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान 9 दिनों तक माता दुर्गा की पूजा की जाती है। जिसके कारण इसे नवरात्र भी कहा जाता है। दस दिनों तक मनाए जाने के कारण इस पर्व को दशहरा कहते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध तथा भगवान श्री राम के द्वारा लंकापति रावण का वध किए जाने के कारण इसे विजयादशमी भी कहा जाता है। इस अवसर पर कलश की स्थापना कर माँ दुर्गा की मूर्तियाँ स्थापित की जाती है। छोटे बड़े मेले आयोजित किए जाते हैं, जहां मिठाइयां, खिलौने आदि बेचे जाते हैं।
पूजा स्थानों पर बड़े बड़े आकर्षक पंडाल बनाए जाते हैं। इस दौरान कई स्थानों पर रामलीला का प्रदर्शन भी किया जाता है। रावण, मेघनाथ तथा कुंभकर्ण के विशाल पुतलों में आग लगाकर आतिशबाजी की जाती है। दशमी के दिन मूर्तियों का विसर्जन कर पूजा का स्थापना किया जाता है। विजयदशमी अधर्म पर धर्म की, एक अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। इसे आपसी सद्भाव और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाना चाहिए। त्यौहार के उत्साह में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए जो दूसरों की परेशानी का कारण बने। धन्यवाद। कमेंट ऑन इफ यू नीड अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन एनी टॉपिक।